अरे आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं। हम जैसे लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो उनका रुतबा बढ़ता है, और फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर गरीबों के लिए भारी पड़ता है, अमीरों के लिए नहीं। एनीवे एंजॉय द पार्टी। तो क्या आजाद को यूं ही छोड़ देंगे? आपको अरेस्ट किया था उसने, आपकी इंसल्ट की थी, इसीलिए उसे एक सबक सिखाना है, ताकि कोई भी पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट करने से पहले 10 बार सोचे। और फिर शेर को जख्मी करके उसी की गुफा में चला आया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेवकूफ हो आजाद। बेवकूफ तो तुम हो, जो इतना भी नहीं जानते कि सांप के बिल में हाथ वही डालता है जो उसकी जहर का तोड़ जानता हो। तोड़ जोड़ का हिसाब तो मैं तुमसे करूंगा डीसीपी, तेरे शरीर की हड्डियों के इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी आने वाली नस्ल तक इस दर्द को महसूस करेगी। मेरे शरीर को छोड़, तू अपने शरीर को आग देने वाले के बारे में सोच। क्या मतलब तुम्हारा? वो देख। पापा, पापा, पापा! बेटे तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा, फिक्र मत करो बेटे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ पागल हो गए तुम लोग? हटाओ बंदूक। तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दो। पापा, बेटे, for God's sake, tell them to leave him. क्यों? सारी अकड़ निकल गई? छोड़ दो उसे। और सुन, तुझे भी मैं अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे ये साबित करना है कि तू एक देशद्रोही है, गद्दार है। और जिस दिन मैंने ये साबित कर दिया, उस दिन मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा, मार दूंगा। वो चारों लड़के कौन थे? किस थाने के थे? बताओ मुझे। सर, वो लोग पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं है। तो फिर बात दरअसल ये है सर, कि पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर पर आजाद को भरोसा नहीं रहा है, इसलिए उसने उन चारों लड़कों को अपने साथ रखा है, यहाँ तक कि उनको ट्रेनिंग भी खुद दे रहा है। बस कुछ ही दिनों में उन्हें पुलिस की वर्दी भी पहना देगा। साला फ्रांसिस को भी उसने इन्हीं चार लड़कों के कब्जे में रखा था। उस दिन फ्रांसिस के साथ साथ उन चारों लड़कों को भी मार देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। डीसीपी ने तुम लोगों के सर पर हाथ क्या रख दिया? अपने आप को डीसीपी समझने लग गए तुम लोग? मुझ पर रिवॉल्वर रखा तुम लोगों ने? बहुत जोश में थे ना उस दिन तुम लोग? बहुत गर्मी है ना तुम्हारे जिस्म में? अब मैं निकालता हूं तुम लोगों की गर्मी ही। अगर मैंने तेरे डीसीपी आजाद को अपना गुलाम नहीं बनाया तो मेरा नाम भी संजय। डीसीपी के चमचे। खत्म कर दो साले को। No!
रहीम, तुझे कुछ नहीं होगा। रहीम, तुझे कुछ नहीं होगा। तू ठीक हो जाएगा भाई, तू एकदम ठीक हो जाएगा। सर, I'm sorry sir. नाज तुम पे करे ये जमीन आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथी हम चले दे चले अपना ताकि जीता रहे। डीसीपी आजाद, पहचाना मुझे? तुमने जंग का ऐलान किया, मैंने शुरुआत कर दी। सुना है तुम्हारे वो चारों लड़के बहुत वफादार हैं और बहुत जल्द तुम उन्हें पुलिस की वर्दी पहनाने वाले हो, है ना? तो मैंने सोचा मैं भी उनके लिए कुछ करूं, इसलिए उन्हें प्रमोशन देकर बहुत जल्द ऊपर भेजने का बंदोबस्त कर दिया। एक का तो प्रमोशन हो गया, बाकी तीनों का भी बहुत जल्द हो जाएगा। मैं जानता हूं तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, पर होनी को कौन टाल सकता है, सब तकदीर का खेल है। मौत अपना रास्ता नहीं बदलती, जो भी उसके रास्ते में आता है चला जाता है। हम निशाना किसी और को बनाते हैं, पर मरता कोई और है। अच्छा होना बुरा होना सब शंकर के हाथ में। जय भोलेनाथ। सर, मैंने ही आपका फोन किया था। आप कौन हैं? जी, मैं दीपक शर्मा, मैं इस कॉम्प्लेक्स का ओनर हूँ सर। चलिए चलिए सर। मिस्टर दीपक जी, इससे पहले भी आपको टेररिस्ट से कोई धमकी आई है? नहीं डीसीपी साहब, धमकी तो कभी नहीं आई, पर अभी अभी मैंने एक आदमी को बम के साथ यहाँ से भागते देखा है, टेररिस्ट हो सकता है। आप उसे पहचान सकते हैं? यस सर, उसने आर्मी ग्रीन कलर का जैकेट और ब्लैक कलर का कैप पहना है। दीपक? यस सर। यही है? हाँ सर, यही है।
What a lovely pair, huh? God bless them. Sit down. Sit down. आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा? अब तक आ जाना चाहिए था। आजाद, क्या बात है? सर, अब जरा अंदर चलिए। क्या हुआ? सर, वो लड़का जो अंदर भागकर गया ना, वो एक टेररिस्ट है। उसने अपनी जैकेट के अंदर बम्स छुपा के रखे हुए हैं। What? Yes, sir. मैं बम स्क्वाड को वालेस करवा देता हूँ। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे पकड़ लूंगा। Are you sure? Yes, sir. Carry on. Yeah. संजय बेटे, अरे अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। संजय, संजय बेटे, सर इस केस को कैसे डील किया जाए? हजारों लोगों की जान बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ। क्रॉस फायरिंग का नोट लगाकर केस को रफा दफा करो। सर वो टेररिस्ट तो भाग गया, अब किसी बात का खतरा नहीं। मैं जानता हूं इस वक्त तुम बहुत दुखी हो, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ये सब तकदीर का खेल है। मौत अपना रास्ता नहीं बदलती, जो उसके रास्ते में आता है जाता है, और फिर हम तो निशाना किसी और का लगाते हैं, मर कोई और जाता है। अच्छा होना बुरा होना इंसान के हाथ में है शंकर सिंघानिया, ऊपर वाले के हाथ में नहीं। और फिर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर सिर्फ कानून का ही नहीं, बल्कि कानून की कमजोरियों का भी फायदा उठाना जानता है। समझ गए ना?